फ्रेंड्स, एयरलाइन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, भारत यहां पर धीरे धीरे अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोल रहा था और भारत दुनिया के बहुत सारे देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां पर कोरोना वायरस का नया रूप देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, यूके में नया कोरोना वायरस पाया गया है और ये कोरोना वायरस पुराने कोरोना वायरस के मुकाबले 70% की ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आपको यहां पर बता दें कि एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि यूके में इस कोरोना वायरस को सबसे पहले सितंबर महीने में देखा गया था, लेकिन यूके की सरकार के द्वारा इसको पूरी दुनिया के सामने नहीं बताया गया और यूके ने इस नए कोरोना वायरस को दिसंबर महीने में पूरी दुनिया को इसकी जानकारी दी और इसका अब सबसे पहला जो नुकसान देखने को मिल रहा है वो यूके को ही मिल रहा है। यूके में कोरोना वायरस अचानक से काफी तेजी से फैलना शुरू हो गया है और अब रोजाना बेसिस पर 50,000 के आसपास रिपोर्ट दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। इसी को देखते हुए दुनिया के बहुत सारे देशों ने यूके के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से भी इसके ऊपर फैसला ले लिया गया है और अब जो भी पैसेंजर्स यूके जाना चाहते थे या फिर यूके से आना चाहते थे, अब उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी गई है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि भारत से यूके की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन सभी तरह के फ्लाइटों के ऊपर लागू किया गया है, चाहे वो एयर बबल्स की फ्लाइटें हो, चाहे वो वंदे भारत मिशन की फ्लाइटें हो या फिर नॉर्मल फ्लाइटें हो, सभी तरह की उड़ानों को यूके के साथ भारत सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। फ्रेंड्स, यूके के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सबसे पहले नीदरलैंड ने बंद किया था, उसके बाद फ्रांस ने, जर्मनी ने और देखते देखते अमेरिका, कनाडा और भी दुनिया के बहुत सारे देशों ने यूके के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने तो यूके के साथ साथ दुनिया के सभी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने का फैसला ले लिया है। इस समय के मौजूदा हालात को देखते हुए ये बोला जा सकता है कि अगले 1 से 2 दिन में ये मुमकिन है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दूसरे देशों से भी बंद हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये नया कोरोना वायरस जो सामने आया है वो इतना खतरनाक है कि दुनिया के सभी देश इस नए कोरोना वायरस से डर चुके हैं और अब वे अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पूरे तरीके से सील करने वाले हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि भारत या फिर दुनिया के बड़े देशों ने इसके ऊपर अभी तुरंत एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि यदि भारत सरकार यहाँ पर तुरंत एक्शन लेती है तो लोगों में अफरा तफरी मच सकती है, जिसको देखते हुए ही ये मुमकिन है कि अगले 1 से 2 दिन में इसके ऊपर और भी बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं। इस नए कोरोना वायरस का इफेक्ट पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इसका शेयर मार्केट के ऊपर भी काफी बुरा असर आया है। आपको बता दें कि इस नए कोरोना वायरस को देखते हुए भारत में आज का शेयर मार्केट पूरे तरीके से गिर चुका है और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी शेयर मार्केट और भी नीचे जा सकता है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप हाल फिलहाल में किसी देश में ट्रैवल करने वाले हैं तो आप अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस एयरलाइंस कंपनी से जरूर चेक करें कि आपकी फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हुई है, क्योंकि ये मुमकिन है कि भारत सरकार भी दुनिया के दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कुछ समय के लिए बंद कर सकती है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर आज तक की एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की गई है कि इस समय यूके में कोरोना वायरस के इस सेकेंड हिट को देखते हुए यूके में क्या हालात हैं। जिस यूके की सरकार वैक्सीन को सबसे पहले लेकर आई थी, अब उसी यूके में पूरे तरीके से लॉकडाउन को लगाया जा चुका है और अब लोग घरों से निकलना भी बंद हो चुके हैं। खबर यह है कि ब्रिटेन में कोविड का नया स्ट्रेन सामने आया है। ये वायरस संक्रमण के मामले में मूल कोविड वायरस से 70% ज्यादा तेज है। खतरे को भांपते हुए कई यूरोपीय देश ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। भारत में भी नए खतरे पर मंथन शुरू हो चुका है। आएगी कोरोना की नई लहर, क्या बेकाबू है कोविड का नया स्ट्रेन, क्या चीन के बाद ब्रिटेन बना दुनिया के लिए खतरा, कोविड के नए अवतार से सावधान। 2 हफ्ते पहले कितना खुश था ब्रिटेन, 8 दिसंबर को कोरोना का पहला टीका लगाया गया था। खुशी से ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इसे वैक्सीन डे घोषित किया था, लेकिन महज 12 दिन बाद ब्रिटेन में फिर से हड़कंप की स्थिति है। लंदन की खाली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को देखिए, सड़कें खाली है, मॉल बंद है,
पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। क्रिसमस शॉपिंग की जगह लोग घरों में दुबके हुए हैं। क्रिसमस जैसे मौके पर लोग इस तरह घरों में दुबकने को मजबूर होंगे, ये अब से पहले सोचना भी मुश्किल था। Expected, I think it's what's needed. I'm not entirely sure I agree with what's been done so far. It's going to be difficult, especially over the Christmas period, but you know, I think it's necessary. लोग मजबूर हैं क्योंकि कोरोना के नए प्रकार के वायरस को रोकने के लिए सरकार की तरफ से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। खबर है कि राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आया जो बेकाबू हो गया है। जानकारी के मुताबिक नए तरह का कोविड अपने पुराने संस्करण से 70% ज्यादा तेजी से संक्रमित होता है। खतरनाक मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के हिसाब से नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन के हिसाब से पक्का, क्योंकि 70% इतना इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है और ये इतनी बढ़ने के कारण इसका जो नंबर ऑफ केसेस जो आजकल यूके में आते हैं, इंग्लैंड में आ रहे हैं, वो एक हफ्ते में डबल हो गए, तो ये तो बढ़ रहे हैं। कोविड का नया स्ट्रेन खतरनाक है, ऐसे में भारत समेत तमाम देश इस बात से आशंकित हैं कि कहीं कोरोना का ये स्ट्रेन उनके देश में भी ना फैल जाए। लिहाजा अभी से सभी देशों ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन से विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नीदरलैंड ने ब्रिटेन से उड़ानों की आवाजाही पर साल के अंत तक रोक लगाई है, तो बेल्जियम ने 24 घंटे के लिए रोक लगाई है। बेल्जियम ने तो ब्रिटेन के साथ ट्रेन संपर्क भी रोक दिया है। दूसरी ओर जर्मनी ने भी विकल्पों पर गौर करना शुरू कर दिया है। भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई चुनौती से निपटने के लिए ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई है। बताया जाता है कि कोविड का नया स्ट्रेन न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि ये वायरस ज्यादा घातक है। No evidence so far that this variant behaves differently, but of course we're being cautious to evaluate this properly, as I explained. And so what they're looking at is to see if there's any changes in the development of neutralizing antibodies. So far we don't have any evidence that this variant behaves differently. इस बीच ब्रिटेन के सामने एक नई मुसीबत भी आ गई है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की वजह से दो लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, लेकिन ये परेशानी ज्यादा बड़ी नहीं है जितना नए वायरस का खौफ है।